लोगों के बीच में अपनी पहुंच और रुतबा बनाने के लिए कुछ तरीके होते हैं। उन्हीं में से दो तरीके आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। नंबर वन, आपको ना कहना आना चाहिए। यदि आप हर किसी को हर समय हर किसी काम के लिए हाँ कह देते हैं तो लोग आपकी इज्जत नहीं करते। लोग उन्हीं की इज्जत करते हैं जिनकी कुछ सीमाएं होती हैं। इसीलिए ना कहना सीखिए। नंबर दो, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात पे ध्यान दें या अपनी बात पर आप उनका ध्यान खींचना चाहते हैं तो अपनी बात को कुछ इस तरह से शुरू करें, मैं ये बात बताना तो नहीं चाहता था लेकिन। गाइस, ये दोनों साइकोलॉजिकल फैक्ट आपको कैसे लगे? ट्रैफिक के नियमों को तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान काटने की घटनाएं आपने देखी या सुनी जरूर होंगी, और ऐसी एक विचित्र घटना आज मैं आपको बताने वाला हूं। ये घटना घटी कर्नाटका के बेंगलुरु में, जहां की ट्रैफिक पुलिस ने एक युवक पर 77 ट्रैफिक नियमों को तोड़ने की एवज में 2 मीटर लंबा चालान काट के उसके हाथ में पकड़ा दिया। और उस 2 मीटर लंबे चालान की रकम सुन के आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। उसकी टोटल रकम थी 42,500 रुपए, और वो स्कूटी वाला युवक इस चालान को तो नहीं भर सकता था, और इसी एवज में उसने अपनी स्कूटी ट्रैफिक पुलिस के पास ही छोड़ दी और वो चला गया। गाइस, ये वियर्ड यानी कि विचित्र घटना सुन के आपको कैसा लगा? 24 नवंबर 1971 को पोर्टलैंड से सिएटल जाने के लिए डीबी कूपर नाम का एक आदमी एक फ्लाइट पे चढ़ता है। जैसी फ्लाइट हवा में होती है वो अपने पास ही खड़ी एयर होस्टेस को एक लेटर पकड़ाता है जिसमें लिखा होता है कि मेरे पास बॉम है और तुम तुरंत मेरे पास आके बैठो। जैसी एयर होस्टेस कूपर के पास आके बैठती है वो उसे बॉक्स खोल के बॉम दिखाता है और कहता है कि मुझे $2,00,000 प्लस 4 पैराशूट चाहिए, नहीं तो मैं सबको उड़ा दूंगा। शाम होते ही फ्लाइट जब सिएटल पे लैंड करती है तो डिमांड के मुताबिक $2,00,000 प्लस 4 पैराशूट्स कूपर को दे दिए जाते हैं। फिर वो उसी फ्लाइट पे बैठता है, फ्लाइट उड़ती है, उसके बाद वो पैराशूट पहनता है और फ्लाइट से कूद जाता है। उसके बाद से लेके आज तक किसी ने भी डीबी कूपर को दोबारा नहीं देखा। एफबीआई ने खूब सर्च करने की कोशिश की लेकिन वो डीबी कूपर को दोबारा ढूंढ ही नहीं पाई। फाइनली 2016 में एफबीआई ये फाइल हमेशा के लिए बंद कर देती है। गाइस, ये कोई फिल्मी घटना नहीं है, इसे आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ऐसी ही मिस्टीरियस वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।